हेलो गाइस, मैं अभिषेक आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बात करूंगा बालों के बारे में। आप अपने बालों का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए जो आपके बाल बोलते हैं ना हेल्दी रहें और ज्यादा ना झड़ें, क्योंकि ठंडी का वक्त आ चुका है दोस्तों। ठंडी में आपको बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है बालों पर, स्काल्प के, तो आपके बाल झड़ने बहुत तेजी से शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको नॉर्मली मैं बताता हूँ। नॉर्मली दोस्तों आपको ये एग यूज करना है, इस तरीके का एक एग। अगर आपके बाल छोटे हैं मेरी तरह जैसे मेरे हैं, तो आपको एक एग लेना है। एग किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है अपने बाल पे, स्काल्प पे, मैं वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप दो एग का भी यूज कर सकते हो, और किस तरीके से यूज करना मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइज ये है अपना सेटअप। तो हमें एक बॉल यूज़ करना है, बॉल के साथ में अंडा फोड़ने वाला है कोई भी एक सामान ले लीजिए और एक अंडा। तो जैसे मैंने आप बोला था मेरे छोटे बाल है, तो एक अंडे को हम एक ही अंडा यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसे सिंपली इस अंडे को फोड़ के इसमें अपना जो कंटेनर यूज़ किया है मैंने उसमें पोर कर दूँगा, उसमें डाल दूँगा। तो आप भी जो भी कंटेनर यूज़ करोगे आप मेक श्योर कि वो साफ़ हो, उसमें कुछ लगा हुआ ना हो, तो क्लीन हो एकदम। ठीक है, तो मेरा कंटेनर क्लीन था, वो उसमें मैं सिंपली अंडा डाल दूंगा। अंडा डालने के बाद अब आपको मेक श्योर करना है कि इसका मिक्स किस तरीके से करें। तो मैं तो हाथ से ही मिक्स कर लूँगा इसको, क्योंकि मैं हमेशा अपने हाथ से ही यूज़ करता हूँ, हाथ से ही मिक्स करता हूँ। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप भी इसको फटाफट अपने हाथ से ही मिक्स कर लो, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्टरर है मिक्स करने वाला है तो आप सिंपली मिक्स कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए ये जो अपना अंडा था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आपको इतना नहीं मिक्स करना है कि इससे फेस निकलने लग जाए, आपको इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है तो एकदम नॉर्मल मिक्स करना है। ठीक है, तो ये एकदम नॉर्मल मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है अपने सर पे। गाइज, आपका जो मिक्सचर आपने बनाया है, जो भी अंडे को आपने भी जस्ट मिक्स किया है, उसको आपको सिंपली अपने बालों पे लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से लगाते जाइए, लगाते जाइए अंटिल आपके सारे बाल, वो एक जो कप जो पोशन लिया है आपने, आपका पूरा जो बाल है वो पूरा कवर ना कर ले। ठीक है, तो देखिए मैं भी लगा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके मैं हर एक पोशन को कवर करूँगा अपने सर के। तो आपको मेक श्योर करना है ये आपके स्काल्प पे भी लगे, ना ही कि आपके ऊपर वाले बालों पे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने स्काल्प तक पहुँचे और स्काल्प तक अपने जो आप एग का पोशन यूज़ कर रहे हो वो लगे। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ कि आप दोनों तरफ लगाइए, आप पूरा हेड कवर कीजिए। ठीक है, और लगाते वक्त आपको अपने बाल हल्के से धीरे से बोलते हैं तानने हैं, तान के अपने बाल के एंड तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाल की नरिशमेंट प्रॉपर होगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला आपको पूरे स्काल्प पे लगाना, तो आप मेक श्योर करें कि पूरे स्काल्प पे लगे। ठीक है, ना ही कि आपके ऊपर के बालों पे। तो एकदम आराम से एकदम ध्यान से अपने बालों पे उसे लगाइएगा। ठीक है, गाइज जब एग पूरा आपके स्काल्प पे लग जाए, पूरे आपके हेयर को कवर कर ले, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 20 मिनट्स का होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आपको सिंपली इसे धो लेना है, और वो भी धोना है तो ठंडे पानी से, गर्म पानी से धोगे तो अंडा पक जाएगा। ठीक है, गाइज 20 मिनट हो जाने के बाद में आपको चेक करना है कि आपके बाल जो है वो थोड़ी सी तरीके से ड्राई हो चुके हैं कि नहीं। अगर ड्राई हो चुका है तो आप सिंपली जाइए इसे धो लीजिए। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से हमने अंडे को इस्तेमाल किया अपने बालों पे। तो इसी तरीके का स्टेप फॉलो करके आप भी अंडा यूज़ कर सकते हो अपने ही बालों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है तीन चीज़ों का दोस्तों। पहली चीज़ कि अगर आपकी बाल ऑयली हैं तो आप सिर्फ एग वाइट यूज़ करोगे। ठीक है, अंडे में दो पोशन होते हैं, एग वाइट और योर्क का। ठीक है, तो पहली चीज़ है अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आपको वाइट वाला पोशन यूज़ करना है एग का। अगर आपके बाल नॉर्मल हैं तो पूरा एग यूज़ करोगे दोस्तों। ठीक है, पूरा एग। अगर नॉर्मल, जैसे कि मेरे बाल नॉर्मल थे
कि नॉर्मल क्या किसे बोलेंगे जिसे हम नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नॉर्मल बाल जो धूल मिट्टी झेलते हैं बाहर के, तो वो नॉर्मल बाल होते हैं नॉर्मली हमारी तरह, तो उनको नॉर्मल बालों में कंसीडर किया जाता है। आप पूरा एग यूज़ करोगे, और एग योक कहाँ यूज़ करोगे दोस्तों, जब आपके बाल एकदम ड्राई हैं, ठीक है, ऑयली के लिए अगर वाइट है तो, अगर आपके बाल एकदम ड्राई हैं तो आपको तब जाके एग योक यूज़ करना, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एग यूज करते वक्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो अपने बालों का ध्यान नहीं रख सकते। दोस्तों ठंडियाँ आ चुकी हैं तो ठंडियों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत होती है दोस्तों, क्योंकि स्काल्प पे डैंड्रफ हो जाता है, और ये अंडा जरूर मदद करेगा आपकी स्काल्प पे डैंड्रफ को बैठने से। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको बालों की प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।